बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम आपको ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 4 सर्विंग स्पून घी लेंगे, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ये गरम हो चुका है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट करके डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुकी है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून पीसी मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब मसालों को मिक्स करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। नमक आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा, वैसे ही परफेक्ट है। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि मसाला हमारा भुन नहीं जाता। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर लें ताकि मसाले हमारे जले ना। टमाटर इसमें शामिल है इसलिए मसाले नहीं चलेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, ये देख सकते हैं हम। अब हम इसमें से ये सारी जो ग्रेवी है, ऑयल है, इसको सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे सारा। इस तरह से इसे निकाल कर अलहदा से रख लेंगे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये ऑयल हमने क्यों सेपरेट किया है। देखिए मैंने निकाल लिया है, और ये मसाला हमने नहीं निकालना। अब इसी मसाले में 1/2 किलो माश की दाल है, इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से धोकर। तो आप भी इसे 3 घंटे भिगो दीजिएगा, और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि दाल हमारी डूब जाए। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, ये देखिए इतना पानी जितना नज़र आ रहा है इतना शामिल करेंगे। ये 8 अदद हरी मिर्च से बारीक कट कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने देंगे, जब तक कि दाल हमारी गल नहीं जाती है। तो देखें 20 मिनट हो चुके, दाल हमारी गल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। दाल को हमें इतना ही गलाना है, खड़ा खड़ा रखना है, मैशी नहीं करना है, ज़्यादा नहीं गलाना है। इसे देखें गल चुकी है, इस तरह से टूटे तो समझ जाइए कि आप दाल गल चुकी है। अगर इसमें पानी हो तो आंच तेज करके ड्राई कर लीजिए। तो ये परफेक्टली कुक हो चुकी है, ज़्यादा मैशी नहीं करना है, इसे ज़्यादा नहीं गलाना है। अब ये 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला है पिसा हुआ, ये शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 टेबल स्पून हरा धनिया है कटा हुआ, से मैंने काट कर धो लिया था, ये शामिल कर देंगे। अब ये जो ऑयल सेपरेट करके निकाला था, हम इसे गरम कर लेंगे। ये 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, इसे डालकर हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मिर्चें हमारी जले ना। 1 मिनट तक इसको हमने पका लिया है, कुक कर लिया है। ये मिर्चें सिर्फ कलर के लिए होती है, इससे कलर अच्छा आता है, तो ये ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा। तो देखें तड़का हमारा तैयार हो चुका है। ग्रेवी हमने इसलिए निकाली थी कि अगर उसी में पड़ा रहने देते दाल साथ गलाते तो ये सब कर लेती है, दाल ग्रेवी पी जाती है सारी, और दाल हमारी खुश्क हो जाती है। तो जब भी आप ये दाल बनाएं तो ऑयल को आप सेपरेट कर लें, ऑयल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको सेपरेट कर लें, वरना वो सारा दाल जो है सारी ग्रेवी सारा ऑयल पी जाती है। तो इस तरह से चलाकर इसे गरम कर लें तड़के को, ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर लगाएंगे,
ये जो दाल हमारी रेडी है इस पर सारा डाल देंगे। अगर आप चाहें तो जब आप सर्व कर रहे हैं उस टाइम पर आप तड़का लगा कर दें, जितनी दाल आप कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उतना ही तड़का आप डाल कर दें, ये सारी दाल में उसी टाइम डालें जब आप सर्व कर रहे हो। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है, सारा तड़का इसमें लगा दिया है, कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी शानदार बनी है, ये देख सकते हैं इसका आप लुक। और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, सेम जो होटलों पर मिलती है ढाबा स्टाइल जो हम होटलों से खाते हैं ये सेम उसी तरह से बनती है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएं और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप देख सकते हैं इसका लुक, ये देखें इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है तभी ये ढाबे स्टाइल इस तरह की मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। मैंने इसे हरी धनिया से गार्निश कर दिया है और आप हरी मिर्चों से भी कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।